ऐसे अभी नहीं कर सकते। वो मुझे बाहर नहीं निकालेंगे सेट से। अभी देखिए, अनिल सर और उनकी फैमिली आती है चेंबूर से, एक एकदम सिंपल से घर, मतलब बैकग्राउंड से सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड। आज भले ही वो जुहू के बंगले में रहते हो, उनका माइंड है ना और हार्ट वो अभी भी चेंबूर में। कंटिन्यूस बोलते रहते मैं 68 इयर्स का हूं, 68 इयर्स का हूं। उनका आई थिंक इट्स अ वे ऑफ इंस्पायरिंग। वहां यमराज थे, यहां पे एक यूके की जुडिशरी सिस्टम है, ओके, वहां पे यमलोक था, यहां पे जेल है, सावी वही है। अरे अनिल सर का कमाल तो ये है कि आज भी वो इंसान कमाल है, मतलब कितने साल हो गए। क्योंकि मैंने डेली बेली देखी है, तो डेली बेली का हालांकि ये वो समय नहीं है, पर कई लोग पूछते रहते हैं क्या सीक्वल कभी प्लान किया आपने या कुछ। अब तो इमरान भी आ गए वापस। हाँ, तो अब कुछ करेंगे हम साथ में बैठकर, डेफिनेटली शायद आपको अगले साल कुछ अच्छा न्यूज सुनाई दे। 31 मई को फिल्म आ रही है, नाम है सावी। हमारे साथ हैं अभिनय, जिन्होंने अभिनय करवाया दिव्या से। कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास, आप बताइए। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। ट्रेलर तो, ट्रेलर पर कैसा रिस्पांस आ रहा अभी तक, जितना लोगों ने देखा? हमारे हमें जो रिस्पांस मिल रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ। लेकिन आप बताएं एक्चुअली। नहीं, अच्छा ट्रेलर लगा मुझे। चलिए, फर्स्ट क्लास, काफी अच्छा ट्रेलर। तो बतौर एक्टर ज्यादा मुश्किल होती है, बतौर डायरेक्टर या बतौर प्रोड्यूसर? Okay, according to me, but our director, being a director is the toughest. हाँ, producer को अलग, because producer का काम creative नहीं होता, वो mostly you know all that budget, तो उस काम के साथ में इतनी resonate नहीं करती, but director और actor में से definitely director का काम ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी चूँकि इसमें acting कर रही हैं, तो कुछ इनपुट्स अपने भी देती थी अभिनय को कि भाई ऐसे अभिनय कर सकते हैं। वो मुझे बाहर नहीं निकालेंगे सेट से। नहीं, एक्चुअली जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ तो अपना डायरेक्टर माइंड घर पे रख के आती हूँ, सिर्फ एज अ एक्टर आती हूँ सेट पर और उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, अपने कैरेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। तो कैसा था दिव्या को डायरेक्ट करना, एक डायरेक्टर को डायरेक्ट करना, जो मतलब ठीक है वो कह रही हैं कि अपना उन्होंने दिमाग अलग कर लिया, पर होता तो है अंदर कुछ ना कुछ, एक चुल्ल होती है यार नहीं, कुछ नहीं। बताना, कुछ करना, कुछ चूंकि वो अपना बतौर एक्टर, चूंकि वो डायरेक्टर है तो कुछ तो इनपुट डालती होंगी, भले वो आपको ना बताती हो पर एक्टिंग में वो जरूर डालते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो मानता हूँ कि अगर आप एक ऐसे एक्टर को डायरेक्ट कर रहे हो जो खुद एक डायरेक्टर है, आपका काम बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज वो समझती है कि आप कहना क्या चाहते हो और उसके अंदर से आपसे क्या मतलब एक्सपेक्टेड क्या है, कि जब मैं उसे बात कर रहा हूँ बतौर डायरेक्टर, हर माइंड इज प्रोसेसिंग इट बोथ वेज। वो तो बोल रही, वो सोच रही है कि हाँ अच्छा ऐसा सोच रहे हैं ये, अच्छा अच्छा ओके ओके, सो नाउ आई विल इंटरप्रेट इट इन दिस वे एज एन एक्टर। तो मेरे ख्याल से तो बहुत बढ़िया है, यू नो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि, एंड वो आई विल से अबाउट दिव्या इन दिस फिल्म, ये पहली फिल्म है हमारी साथ, कि शी इज़ अ वेरी वेरी थरो एक्टर। थरो क्यों? क्योंकि वो सेट पे सारे सीन्स परफेक्टली सोच कर, उसकी डायलॉग्स पकड़ लीजिए, उसके जो नुआंसेज हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, वो सारी वो नोट्स बनाकर अपनी वो एकदम प्रिपेयर्ड आती थी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी बिल्कुल एज ए डायरेक्टर टू वरी अबाउट कि अच्छा शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड और शी इज़ नॉट, ऐसे कई बार होता है, लेकिन इस बार इनके साथ बिल्कुल वो नहीं था। शी वॉज एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड ऑन द सेट। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप प्रिपेयर्ड आते हो, जब डायरेक्टर प्रिपेयर्ड है, एक्टर प्रिपेयर्ड है, तो आप सेट पे आने के बाद ना आप उसको और भी एम्बेलिश कर सकते हो, आप और खेल सकते हो वो सीन लेकर। सो आई थिंक यही हुआ हमारे साथ भी, कि ऐसे हमारे पास जो टीम थी वो ऐसी थी कि दिव्या, अनिल कपूर, हर्षवर्धन राणे, ऑल ऑफ देम वर एक्सट्रीमली प्रिपेयर्ड विद देयर पार्ट। और हमारी जो रीडिंग्स हुई थी उसके पहले, मतलब फिल्म की शूट शुरू होने से पहले, उस रीडिंग में हमने बहुत सी जो कहते हैं ना कि वी हैड आयर्न्ड द क्रीजेस, के जो भी सवाल थे कैरेक्टर को लेके या तो फिल्म के कोई लॉजिक को लेके, वो सारे हमने क्लियर कर दिए थे हमारे बीच। तो एक्चुअली शूटिंग का जो समय था
वो इतना इजी हो गया और इतना स्मूथ हो गया कि हम हंसते खेलते पूरी पिक्चर खत्म हो गई और हम सोच रहे हैं अरे ऐसे कैसे खत्म हो गई, यू नो इतनी जल्दी खत्म हो गई। अच्छा ये कहते भी हैं कि कई कई लोग प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लेते हैं, पर कहते हैं जितना प्री प्रोडक्शन में जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना फिल्म बहुत आसान हो जाएगी। एब्सोल्युटली, मेरे हिसाब से तो प्री प्रोडक्शन टाइम वो तभी फिल्म बनती है, यू नो मतलब ऐसे कहते हैं कि फिल्म टेबल पे बनती है, ये आपने सुना होगा, द फिल्म्स आर मेड ऑन अ टेबल। वो एक टेबल नहीं है, बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल कंस्ट्रू इट एज द एडिटिंग टेबल। खैर वो एडिटिंग टेबल है लेकिन वो आखिरी टेबल है। तीन टेबल पे बनती है फिल्म, एक तो राइटर के टेबल पे, दूसरा डायरेक्टर के टेबल पे और तीसरा एडिटर के टेबल पे। और ये जो राइटर है ये और द डायरेक्टर का टेबल है, ये सारा प्री प्रोडक्शन का काम है। और वो प्री प्रोडक्शन अगर आप तगड़ा करो, अगर आप उसमें मेहनत करो और उसमें आप एफर्ट डालो, तो मेरे ख्याल से जो शूटिंग का जो जो एक पीरियड होता है जहाँ पे सबको लगता है कि शूटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं, प्री प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद शूटिंग तो ऐसे ही हो जाती है। जैसे प्री प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभिनय कह रहे हैं, वैसे ही एक्टिंग जब आप कैमरे के सामने करते हैं, ठीक है वो जो आपने पहले प्रिपेयर किया होगा वही करते हैं आप, अदरवाइज आप सीधे जाके कैमरे पे तो कर नहीं लेंगे, तो वो पहले वाला पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो मैं जानना चाहूँगा इस सावी के लिए आपका पहले वाला पार्ट क्या था, कैसे प्रिपरेशन रही, क्या नोट्स बनाए आपने, ऐसे वर्कशॉप की बात की अभिनय ने, क्या रहा पूरा प्रोसेस आपका? सो मेरे लिए एज अ एक्टर यही प्रोसेस होता है कि मैं वो कैरेक्टर बन जाऊँ। कोई भी मैंने कैरेक्टर किया हो इससे पहले कोई फिल्म में, उसका कोई उससे कोई सिमिलैरिटी ना हो। इवन आप जब सावी देखें उसमें कहीं आपको दिव्या ना दिखे, आपको सावी ही दिखे। आप जब वो कैरेक्टर देखें आप देखें कि ये सावी है, ये लाइफ जी रही है। तो आई थिंक वो ही मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और मैं परफॉर्म करते टाइम ऐसा सोचती नहीं कि मुझे ऐसा चलना है या ऐसा हाथ उठाना है या ऐसा देखना है, ऐसा मैं नहीं सोचती। आई थिंक जो नेचुरली अंदर से आए, तो मेरे लिए प्रोसेस बहुत इंटरनल होता है कि इट शुड बी इन टू आउट, कि इंटरनली जो आए नेचुरली जो आ जाए। तो आप जब कैरेक्टर बन जाते हैं तो बहुत सारे ऐसा, मैं कई बार खुद अपने जब टेक्स मॉनिटर पे देखती थी तो वो मुझे सरप्राइज करते थे, अच्छा कि मैंने ये कर दिया ड्यूरिंग द शॉट या ये कर दिया, क्योंकि जब आप उसमें इतने ज़्यादा होते हैं तो नेचुरली आता है। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट, दैट इज़ वॉट आई थिंक। कई बार ऑफकोर्स जब आपके बहुत इमोशनल सीन्स होते हैं मुझे अफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि मैं बहुत मेंटल उसे लेती हूँ। कई बार जब मैं बहुत हैवी सीन्स होते हैं क्राइंग, और मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सावी में भी ऐसा हुआ? सावी में नहीं हुआ, पर एक फिल्म के ड्यूरिंग मेरा ऐसा थोड़ा एक ब्रेकडाउन हुआ था। इससे पहले जो मैंने की थी यारियां टू, उसमें कुछ था, तो उसके ड्यूरिंग मुझे थोड़ी एंग्जाइटी हो गई थी कुछ रातों के लिए, और मैं ब्रेक डाउन हो गई थी बहुत ज़्यादा। बट इसके ड्यूरिंग आई थिंक नहीं हुआ। ऑल्सो द क्रेडिट गोज टू आर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, बिकॉज उन्होंने सेट पे जो एनवायरमेंट रखा वो इतना कॉन्ड्यूसिव था फॉर शूटिंग, इतना अच्छा रखा कि मुझे एज अ एक्टर कभी भी, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था हमारा, 45 डेज ऑफ स्केड यूके में था जहाँ -6 degrees था, बहुत ठंड थी। मुझे याद है मेरी टीम तो ऐसा कार के अंदर बैठ जाती थी, बाहर नहीं निकलते थे वो लोग। हम बाहर काम कर रहे थे, मैं कहती थी आओ ना अब बाहर आओ, कितने हमें नहीं आना आप करो। तो मतलब ऐसे में क्या होता है कि फिजिकली आप पे ना, आप मतलब आपको मतलब आप बीमार हो सकते हो, आपकी बॉडी थक सकती है, बट कभी भी मुझे फिजिकल एग्जर्शन नहीं हुई। मैं इतना लंबा स्केड्यूल करके आई, और आते ही बॉम्बे में मैं वापस दूसरी पिक्चर की शूट कर रही थी। तो आई थिंक द क्रेडिट फॉर दैट टोटली गोज टू माय डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, जिन्होंने हमें प्रॉपर टर्न अराउंड टाइम दिया कि हम जब नेक्स्ट डे आए तो ऐसे नहीं कि हम मेंटली और फिजिकली इतने एग्जॉस्ट हो गए। कि एज अ एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना उसमें 1000% डालो। उसके लिए सबसे पहले फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, यू नो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हेल्थ सही होगी तभी आपका मेंटल। कैसे हेल्थ का ख्याल रखते हैं? सो मैं रोज काढ़ा पीती थी सेट पर, मैंने 45 डेज रोज काढ़ा पिया। एंड खाने का ध्यान रखती थी कि ऐसे नहीं कि डाइटिंग करूँ, प्रॉपर खाना खाऊं ताकि फटीग्ड फील ना करूं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर और हेल्दी डाइट खाऊं, ऐसे नहीं कि कुछ भी पिज्जा पास्ता खाते रहो, ऐसा नहीं करती थी मैं। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर सो, यू नो, टाइम पर सो जाऊं, टाइम पर उठूं। सो ये सब चीज़ों का आपको फिजिकली ध्यान रखना पड़ता है। एंड मतलब मैं जब सेट पर होती हूँ तो मैं फ़ोन भी नहीं देखती, क्योंकि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। मैं, मेरे हाथ में कभी भी फ़ोन नहीं होता। मैं सेट पर होती हूँ तो मैं, मेरे को ये भी नहीं पसंद कि मैं बार बार अपनी वैनिटी में जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ। मुझे यही अच्छा लगता है मैं सेट पर एक बार आ गई तो सेट पर ही रहूँ। आजकल पर फोन तो वैसा हो गया कि नहीं, मुझे बहुत डिस्ट्रैक्टिव लगता है, डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्शन होती है। सोशल मीडिया वगैरह नहीं चलाते हैं?
नहीं, जब मैं सेट पे होती हूँ नहीं, एक बार जब शूटिंग खत्म हो जाए, पैकअप हो जाए, तो रात को जाके थोड़ी देर आधा घंटा उसके साथ में अनवाइंड करती हूँ, बट सेट पे नहीं फोन देखती जी. तो या दिस आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो मैं करती हूँ अपने साइड से. अच्छा, सावी नाम है, सावित्री से आया ये नाम? बिल्कुल ना, सावित्री से आया. तो क्या, चूंकि वो कहानी जो, जैसा मैं वो देख पा रहा हूँ कि वो कहानी जैसे सावित्री और सत्यवान की आप करें, पर वो बहुत वैसी कहानी है, ये बहुत मतलब क्या बोलेंगे, अहिंसक कहानी है, और ये थोड़ा सा हिंसा भी है इस कहानी में, थोड़ा सा क्या, ठीक ठाक हिंसा है. तो ये आइडिया कैसे आया कि कैसा है ना कि हर कहानी का एक बेस होता है. अच्छा. कि जैसे सावित्री की कहानी क्या थी, उसका अगर आप एक ब्रेकडाउन करो तो एक सिंपल सी औरत, ओके, जिसका पति मर जाता है और उसकी बीवी बोलती है कि सॉरी बॉस, आई एम नॉट अग्रीइंग टू दिस, कि मेरा पति वक्त से पहले मर गया, उसे यमराज ने लेके गया है, मैं यमराज से जाके झगड़ के उसे वापस ले आऊंगी. दैट इज व्हाट सावित्री स्टोरी वॉज. अब वो समय क्या था ना कि जब ये कहानियां माइथोलॉजिकली बनती थी, इसमें एक थोड़ा ड्रामा डालने की जरूरत होती थी, वरना लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे. तो वो जो ड्रामा था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आम स्त्री जाके यमलोक चली जाए, कैसे. अच्छा, मैं बचपन में ऐसा पूछता था कि ऐसा क्या कोई रास्ता था, कैसे. Exactly. पास नहीं, मेरे भी वही होता था. मुझ में ये एक क्यूरियोसिटी होती है, क्या कोई रास्ता था, कैसे. आपको इसके लिए पिक्चर देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी फिल्म में सावी जो है वो जेल ब्रेक प्लान करती है, वो भी यूके की सबसे, ट्रेलर में दिखता है, यूके की सबसे बड़ी जेल. तो वही तो है, इम्पॉसिबल टास्क. करेक्ट. और कहानी वही है कि यहाँ वहां यमराज थे, यहाँ पे एक यूके की जुडिशियरी सिस्टम है. ओके. वहां पे यमलोक था, यहाँ पे जेल है. सावी वही है, सावी वही, बिकॉज वही तब भी वही थी, अब भी वही है. और एक्चुअली हर सिंपल नारी जो बाहर है आज, जो जिसे हम कभी कहते हैं हाउसवाइफ, कभी मदर, कभी सिस्टर, कभी वाइफ, ये सारी यही है, सब सावी वही है और कुछ नहीं है. और सावित्री भी वही थी. तो हमने सोचा कि सावित्री की जो कहानी हम सुना करते थे बचपन में, उसका एक कंप्लीटली न्यू एज वर्जन, मॉडर्न वर्जन. अब मॉडर्न जब कहते हो, आज का वर्जन अगर कहते हो, तो उसमें थोड़ी बहुत हिंसा तो आने वाली है. जेल ब्रेक अगर है तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है. तो दैट इज व्हाट इज देयर इन द फिल्म. द नेक्स्ट 3 डेज से भी कुछ इसका लेना देना? क्या, सॉरी, द नेक्स्ट 3 डेज से? हाँ बिल्कुल. मतलब उसकी एक है, लेकिन लेना देना है भी और नहीं भी. इंडियनाइज किया पूरी, बहुत मतलब, और इतना इंडियनाइज हुआ है कि हालांकि हमने शुरू वहां से की थी, बिल्कुल एक जो कोर आइडिया होता है, और वहां से लेकर हम जहां आए हैं वो एक अलग ही कहानी है, अलग बन गई है. मतलब आप देखेंगे, अगर पिक्चर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कम्प्लीटली डिफरेंट. हाउ वाज वर्किंग विद अनिल कपूर? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. वो बहुत पैशनेट है, बहुत एनर्जी डालते हैं अपने काम में, और मतलब कंटिन्यूस बोलते रहते हैं मैं 68 इयर्स का हूँ. उनका आई थिंक इट्स अ वे ऑफ इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस कि देखो मैं कैसे, मतलब मैं इस एज में भी इतना यंग हूँ और इतना मतलब एक्टिव हूँ. तो इट्स चाहे रात के 2:30 बजे हो, कुछ भी, मतलब वो ऐसा अपने आप को मेंटली. एक बार हम शूट कर रहे थे एक सीन, रात को बहुत लेट हो गई थी, 1-2 बज गए थे, और सुबह वापस शिफ्ट थी, तो मैं ऐसा बहुत ठंड हो रही थी, बारिश का सीन चल रहा था, और मैं ऐसा ड्यूरिंग द शॉट्स मैं वो कर रही थी. तो उन्होंने मुझे देखा ऐसा कर रही, और उन्होंने बोला सोचो सुबह तक है शूट, सोचो सुबह तक है. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, यू नो, कि अपने माइंड को ऐसा बना लो कि कुछ फील ही ना. अगर मैं ऐसे सोचने लगा कि सुबह तक है तो मुझे फील नहीं होगा. जैसे हम सोचते हैं कि अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा पैकअप, तो हम उसको लुक फॉरवर्ड करते रहते हैं कि ठंड लग रही है, ठंड लग रही है. तो यू नो, अगर हम सोचेंगे सुबह तक, तो ठंड भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे कि अब तो सुबह तक है, काम करना है. सो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग, कि आप इतना स्ट्रांग मेंटली करो अपने आप को कि आपको कुछ फील ही ना हो. अच्छा, बतौर एक्टर मैं उनको जब देखता हूँ, उनको जब मतलब एक्टिंग करते हुए तो देखते हैं हम लोग, वो अपना एक, वो अच्छे एक्टर हैं नो डाउट, पर उनको जब मैं बतौर ऐसे सुनता हूँ, जो एक्टिंग जैसे एक होता है कि आप एक्टर अच्छे हैं, पर एक समझ भी होती है उनमें, बहुत अलग अलग सिनेमा की, चाहे वो आर्ट हाउस सिनेमा हो, चाहे कमर्शियल सिनेमा हो, वर्ल्ड सिनेमा हो, उनको जब मैं सुनता हूँ तो बहुत उनकी ऐसा लगता है बहुत पढ़े लिखे और वैसे एक्टर. क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने उनके साथ 24 में भी काम किया, इधर यहाँ भी. उनका ना सबसे अमेजिंग चीज़ क्या बताता हूँ आपको, कि आपको जो लाइफ सिखाती है ना, मेरे ख्याल से वो एक ऐसे एक्टर हैं जो
अपनी जिंदगी और अपने आजू बाजू की जिंदगी से, लाइफ से बहुत कुछ लेते हैं, और वो सबसे अमेजिंग चीज होती है हर किसी एक्टर के लिए कि आप एक अपने आप को एक बबल में नहीं डालते आप। मतलब अभी देखिए, अनिल सर और उनकी फैमिली आती है चेंबूर से, एक एकदम सिंपल से घर, मतलब बैकग्राउंड से सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड। आज भले ही वो जुहू के बंगले में रहते हो, उनका माइंड है ना और हार्ट, वो अभी भी चेंबूर में। ये सबसे उम्दा चीज है उनके बारे में, सबसे बड़ी चीज है। मैं 24 के दो सीजन किए उनके साथ, मतलब लगभग 10 फिल्में वर्थ फुटेज हमने किया है, 450 दिन शूटिंग किया है टोटल। तो उसके बाद ये बात तो समझ में आती है कि ये इंसान जो है ना, खैर ऑफ कोर्स उन्होंने सिनेमा देखा हुआ है, यू नो गए 50 साल से वो लोग वो देखते आ रहे हैं अलग अलग एक्टर्स को, खुद की फैमिली को, प्लस यू नो जो बड़े एक्टर्स हैं इंटरनेशनल नेशनल ऐसे एक्टर्स को। लेकिन उससे सबसे ज्यादा जरूरी मुझे ये लगता है कि ही इज अ ग्राउंडेड पर्सन, ही इज अ वेरी, ही इज अ पर्सन हु एक्चुअली लिटरली वो देखते रहते हैं कि देखते, यू नो कभी शूट पे मुझे भी बोलते हैं अभी ने वो देख, वो कैसे देख सेट पे सो रहा है। तो अभी मैं देखता हूँ कैसे, हाँ सो रहा है, सोने दो बेचारे को, नहीं कैसे सो रहा है देख, यू नो उसका आ मुंह खुला है ये वो, वॉट इज हिज ऑब्जर्वेशन ना, वो ही कीप्स ऑब्जर्विंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें, और वो ऑब्जर्वेशन वो डाल देते हैं पिक्चर में। अच्छा, ये कई, तो कई बार मुझे तो लगता है कि अगर शाहरुख सलमान वगैरह थोड़ा सा लेट आए होते तो वो और जैकी श्रॉफ का बहुत अलग और बड़े होते हो शायद। शायद वो बोलना तो मतलब इट्स स्पेकुलेशन, बट खैर उन्होंने दोनों ने ही मतलब बहुत, और अनिल सर ने, अरे अनिल सर का कमाल तो ये है कि आज भी वो इंसान कमाल है। मतलब कितने साल हो गए, यू नो 40 साल से वो आदमी अभी भी वही है और वही लेवल का काम कर रहा है, बल्कि मैं कहता हूँ उससे ऊपर जा चुके हैं वो। उनकी जो सेकंड इनिंग्स है वो तो मेरे ख्याल से फर्स्ट इनिंग से बहुत बेहतर है। तो यू नो नथिंग टू कंप्लेन अबाउट हिम, इज ग्रेट, इज अ ग्रेट मैन। क्योंकि इशारा हो रहा है खत्म करने का, बहुत सारे सवाल थे मेरे पास, पर मैं एक तो एंड में तो यही कहूँगा, ट्रेलर अच्छा लग रहा है, और मैं चूंकि मैंने डेली बेली देखी है तो डेली बेली का, हालांकि ये वो समय नहीं है, पर कई लोग पूछते रहते हैं क्या सीक्वल कभी प्लान किया आपने या कुछ। ये सवाल बहुत बार मैंने भी सुना हुआ है, और मेरे ख्याल से डेफिनेटली बन सकता है, बनेगा। अच्छा, बस कुछ लोगों को साथ आने की जरूरत है और वो आएंगे, यू नो तो इमरान भी आ गए वापस। हाँ हाँ, तो अब कुछ करेंगे हम साथ में बैठकर, डेफिनेटली शायद आपको अगले साल कुछ अच्छा न्यूज सुनाई दे। अरे क्या बात। चलिए फिलहाल तो न्यूज ये है कि 31 मई को सावी आ रही है, जाइए देखिए, और खूब, अब तो मतलब मैं हर बार यही कहता हूँ कि अब तो ऐसा किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, कि सीधे आप सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, कैसी लगी, क्या लगा, क्या अच्छा लगा, क्या कम अच्छा लगा, और क्या और अच्छा हो सकता था, सब कुछ बता सकते हैं आप, क्योंकि आप तो ऑडियंस है, बाकी आप ही का रिव्यू, हम लोग तो रिव्यू करते हैं कोई उसका, बस ये है कि हम लोग के रिव्यू से आप लोग को ये लगता है कि अच्छा ख़राब क्या है, पर आप लोग का रिव्यू ज़्यादा मायने रखता है। जी जी, तो जाइए देखिए 31 मई को और बताइए सावी कैसे लगी, नॉट सेवी। चलिए शुक्रिया, थैंक यू।